देखिए दोस्तों, आज हम ले आए कटहल का सब्जी। देखिए बहुत ही पूरा बना है मसालेदार, मसाला का प्रयोग बहुत कम किया हम लोग। देखो हम लोग बन के तैयार हो गया, अब हम लोग दिखाते हैं शुरू से प्रोसेस। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम ले आए कटहल का सब्जी। कटहल को हम लोग उबाल रहे हैं, हम लोग इसको काट लिए पूरा अच्छी तरह से, सामने काट लिए थे, और इसको देखिए हम लोग उबाल रहे हैं। उबल जाएगा उसके बाद अच्छी तरह से हम 15-20 मिनट इसको उबालते हैं। उबालने के बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे आलू साथ, आलू कटहल का सब्जी। देखिए हम लोग पहले प्याज डाल दिए और आलू को उबाल दिए हैं। देखिए हम लोग पूरा आलू को पहले उबाल के छिलका छील दिए हैं, प्याज भी डाल दिए, प्याज भूनने के बाद आलू भी डाल दिए हैं। देखिए अब हम लोग कटहल उबलने का वेट कर रहे हैं, कटहल उबल जाएगा उसके बाद हम लोग कटहल को निकाल के धो के उसके बाद सब्जी में डालेंगे। आज बहुत देसी तरीका से बहुत ही मज़ेदार बना रहे हैं हम लोग कटहल का सब्जी। दोस्तों हम लोग इसमें डाल दिए कटहल का सब्जी, आलू की सब्जी। अब हम लोग इसको हम लोग अच्छी तरह से भून देंगे। देखिए हम लोग कटहल को फ्राई करके डाले तो और ही टेस्टी लगता है। आप कभी भी कटहल का सब्जी को पहले बना लें, बनाने के बाद आप इसको उबाल लें, उबालने के बाद आप इसको तेल के साथ फ्राई कीजिएगा तो और ही मज़ेदार और टेस्टी बन जाता है। और उसके बाद आलू को हमने उबाल दिए, आलू छील के इसको डाल दिए हैं और दोनों एक साथ ही हम लोग पूरा भून रहे हैं। भूनने के बाद इसको निकालने के बाद हम लोग मसाला भून लेंगे, उसके बाद सब्जी को डाल के बहुत ही मज़ेदार देसी तरीका से हम लोग बना रहे हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको हम लोग चलाएँ, प्याज ही भून गया था, प्याज भी भून गया है, मसाला हम भून लेते हैं। इसमें वो टमाटर हम लोग एक पीस डाल दिए हैं। देखिए मसाला को अच्छी तरह से भूनिएगा तभी मज़ेदार लगेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसलिए आप पहले मसाला को अच्छी तरह से भून लें, धीमी आंच में भूनें। हम लोग मसाला को अच्छी तरह से भून लेते हैं और इसमें दो पीस टमाटर डालते हैं, एक पीस डाले, एक पीस और डाल देते हैं, एक पीस और डाल दिए हैं। देख लीजिए हम लोग दो पीस टमाटर डाल दिए हैं, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हम लोग रेसिपी बनने वाला है। इसमें हम लोग मसाला में मिर्चा डाले थे, फिर भी थोड़ा सा कम था, इसलिए हम लोग मसाला मिर्चा डाल दिए हैं और ऊपर भी डाल सकते हैं। और टमाटर हम लोग डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह हम लोग भूनने देते हैं। चिपकेगा धीमी धीमी आंच में भी, फिर भी अच्छी तरह से आप इसको पकने दें, मसाला पूरा भून जाएगा। उसके बाद ही आप इसमें दूसरा मटेरियल डालिएगा। मसाला भून रहे हैं, देखिए चिपक रहा है। मसाला का मसाला चिपक रहा है, इसलिए हम इसको चला लेते हैं। अच्छी तरह से मसाला भूनने दीजिए, टमाटर भी अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह से मसाला भूनने दीजिए। देखिए देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कटहल का सब्जी। देखिए पूरा देसी झारखंडी के व्यंजन से हम लोग बनाए हैं, पूरा घर के मसाला सब प्रयोग किए हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है,
आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आप लोग को। बहुत ही धीमी आँच में हम लोग पका रहे हैं।